आदाब नाज़रीन, मैं अकील खान और आप देख रहे हैं अंगारे न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। छह साल हो गया, 16 जनवरी को 6 साल हुआ। 6 साल में कई बार उनके हस्बैंड उनको मारे तोड़े, हम लोग कंप्लेन भी कराए कई बार। फिर जैसमा वो लोग कब तक बिठा के रखते, ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते बोल के पुलिस वाले समझा के भेजते गए बच्ची को। परसों ही 3 महीने पहले बच्ची को इतना मारे, जबी भी बहुत बुरी तरीके से मारे, उसकी वीडियो भी है हमारे पास। बच्ची चल भी नहीं पा रही थी। अपना कंप्लेन करे थे जब? जी करे थे कंप्लेन का, वो भी हमारे पास है। उसके बाद क्या करे थे पुलिस वाले, एक्शन क्या लिए थे? एक्शन कुछ भी नहीं लिए, उसको समझा के धमका के भेज दिए। बोले क्या काउंसलिंग कितने बार हुए? हम ये 3री बार है ये रिपोर्ट करके, महिला मंडल में भी गए। अब तक केस बुक नहीं करे थे उनके? नहीं, दो करे केस, कोई भी बुक नहीं। दो करे थे, बुलाते थे, बात करते थे, उनको काउंसलिंग करते थे, उनकी गलतियां बता देते थे, ऐसा कहीं को वैसा कहीं को बोल के बच्ची के गलतियां बता देते थे हमेशा से। समझा मना के बच्ची को भेजते गए। आज 8 बजे हमारे को उसका हस्बैंड का नाम मोहम्मद गौस है, हमारी बहन का नाम सादिया है। 8 बजे कॉल आके आया, बोले तुम्हारी बहन फांसी ले लिए, उन्होंने मर गए बोल के रख दिए फोन। आप लोगों को कौन करे फोन? मोहम्मद गौस, हमारी बहन का हस्बैंड। अच्छा, क्या काम करते थे? उन्होंने जो मिला वो कर लेते थे तकरीबन, उन्होंने बेकारी रहते थे उन्होंने। बस हमारे घर से हमारे बाबा के पास से पैसा लेके आओ और यहाँ से लेके भी जाते थे। लॉकडाउन भर हमारे बाबा उनके घर में राशन पानी डाले, सब कुछ करे, लेकिन बच्ची का सोना चोरी कर लिए, हम लोगों के घर से पैसे चोरी करे, घड़ियां चोरी करे, बहुत सारे कामा करे। हम लोग जान दो बच्ची है, उसकी जिंदगी चल रही बोल के हम लोग आप छोड़ते गए, फिर भी एक्शन लिए भी। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं बोले। 2 दिन पहले हमारी परसों ही बात हुई उनसे, 28 जनवरी को, अच्छे हंसी खुशी बात करे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। कल बस 1 दिन बात नहीं हुई थी, आज हम फोन करने वाले थे लेकिन हम नहीं करे। अभी थोड़ी देर पहले 8:30 बजे फोन आया वहाँ से, ऐसा हो गया उन्होंने कर लिए बोल के। शादी हुई कितना टाइम हुआ? अभी ये 2016 में शादी, 6 साल खत्म हुए अभी। तो उनको हॉस्पिटल कौन लेके गए थे? नहीं मालूम हमारे को, वहाँ पर बॉडी थी नहीं, कुछ भी नहीं वहाँ पर, वो लोग भी कोई नहीं थे। हम लोग गए जब हमारी बहन को भी नहीं देखे अभी, हम अभी तक हमारी बहन कैसी है क्या हाल है जब हम कुछ भी नहीं देखे हम अभी तक। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लॉक था वो रूम में, जो रूम में बता रहे हैं लोगा, वो रूम को लॉक था। कौन से हॉस्पिटल भेजे उसको, कुछ भी नहीं मालूम हमारे। आप लोग उनको मौचूरी उस्मानिया हॉस्पिटल भेजे होंगे, आप लोग नहीं गए वहाँ पर? नहीं नहीं मालूम, हमारे भाई लोग भी गए वहाँ पर भी, उन लोगों को कुछ पता नहीं चला अभी तक। बहन की बॉडी को देखे तक नहीं देखे हमारे घर से, ना जेंट्स देखे ना लेडीज देखे, हम वहाँ जाने के बावजूद भी हमारे को नहीं मिली हमारी बहन की बॉडी। हमारे बिना बताए के हमारे को हमारी बहन को ले लेके चले गए, कहाँ डाले नहीं मालूम। आपकी बहन का सुसाइड होने के बाद में उनको हॉस्पिटल कौन लेके गए, वो भी नहीं मालूम हमारे को, कुछ भी नहीं मालूम। उनके ससुराल से कोई नहीं है वहाँ पर मौजूद, हमारे से बात करने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ बस्ती के लोग है वहाँ पर। रस्सी पर वो उनका दुपट्टा बना हुआ है और खाने की प्लेट रखी हुई है। एक हिंदू लेडीज हमारे से बोली, वो बच्चों को खाना खिला रही थी अम्मा, उसके हाथ पे भी खाना लगा हुआ था बोल के बोले, हम कुछ भी नहीं देखे। पूरे सास नंदा भी गायब हो गए घर में से, सास नंदों का सबका टॉर्चर था उनका, सास वगैरह घर में कोई भी नहीं थे। सो मौजूद है अभी तक भी है, उससे झूठा बयान देने लगा रहे हैं लगा, मम्मी हैंगिंग कर लिए बोलो बोल के बोलने लगा है। तो पुलिस वालों के सामने वो बच्चे वही बोले तो ना, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको एज अ प्रूफ ले रहे हैं लगा कि वो बच्चा जो बोला वो बात सही है। हमारी बहन का हस्बैंड है, उन्हें कितना खराब आदमी है, कितना मारता तोड़ता, बच्चा 5 साल का है अभी। तो उनका बयान ले रहे पुलिस? हाँ, उनके बयान पे वो लोग चल रहे हैं। वो बच्चा बोला, झूठ नहीं बोलता वो बच्चा बोल रहे हैं लगा। आप लोग ये कौन बोल रहे हैं? पुलिस वाले बोल रहे हैं बच्चा झूठ नहीं बोलता कहते। हम बोले पिछली बार भी जो लड़ाई नवंबर में हुई थी, उन्होंने मार के भेजे थे बच्चे को, लेके जाके वहाँ पे काउंसलिंग में बोलने लगाए थे,
और डरा के करके बच्चे को बोले थे इनके पापा को मारते जेल में डाल देते तुम ऐसा ऐसा बोलो बोल के बोले थे। बच्चा दो दिन बाद जब हमारे घर में आके रहने लगा तो बच्चा खुद अपने आप से बोला पापा ऐसा बोलने लगाए थे, पापा को जेल में डाल देते बोले थे तुम लोग, तो इसलिए पापा हम लोगों को ऐसा झूठ बोलने लगा है, पापा मम्मी को ऐसा मारे ऐसी आवाज निकाले, मम्मी इतनी जोर से मारे, सब बोला बच्चा बाद में। आज वो इस बच्चे के बयान को लेके उन लोग प्रूफ लेके चल रहे हैं। अभी वो लोग बोल रहे हैं उन्हें बोला मतलब हमारे को ऐसे मालूम हुआ हमारे को, उन्हें बोला मैं यहाँ नहीं था जब उन्होंने सुसाइड कर लिया, मेरे को बस्ती वाले बताए तो बस्ती अब पुलिस वाले बोल रहे हमारे को बच्चे वहाँ पर अंदर ही मौजूद थे, बच्चों के सामने ही कौन कौन रहते थे, उनकी सास ननन मकानदार सब रहते थे भैया, छोटा सा घर है, कोई भी नहीं थे, सब थे। अब हम लोग पहुँचने तक कोई नहीं थे वहाँ पर, थे अंदर बैठे हुए हैं हम लोग, पुकार हमारे सामने कोई नहीं आया, हम लोग कैसा करी हमारी बहन, कहाँ भेजा हमारी बहन को, कोई कुछ नहीं बताया हमारे को, अभी तक भी नहीं मालूम, नहीं हमारे को अभी तक भी नहीं मालूम। आप लोग कंप्लेंट कौन से पीएस में दिए, सरूनगर ही, मैलारदेव पल्ली में गए थे लेकिन वहाँ से बोले नहीं वहाँ सरूनगर का होता, वो सरूनगर को जाओ बोले तो सरूनगर को गए, वहाँ से कुछ एक्नॉलेजमेंट वगैरह दिया आप लोगों को, कंप्लेंट हाँ एक पेपर दिए कुछ, स्टेशन में बैठे हुए है वहाँ पर सिर्फ ये एक पेपर दिए, ये एक पेपर को पांच पांच बार लिखा है। अभी हम अभी अभी घर पे आए, हम 10 बजे गए थे, हम अभी अभी घर पे आए, अभी 4 बज रहे हैं, हम अभी घर पे आए, हमारे को ये दिए, हमारी बहन की कोई खबर नहीं दी हमारे को, वो कहाँ पर है, उसको उस्मानिया में रखे या गांधी में लेके गए या फिर कौन से फ्रीजर में रखे, हमारे को कुछ भी नहीं दिखाया, हमारे को कुछ भी डिटेल नहीं दिए। हम घर पे जाने के बावजूद भी उनकी बॉडी वहाँ पर नहीं थी, कौन लेके गए, कैसा वो कहाँ पर लटकी थी, कैसा लटकी थी, कौन उतारे उसको, हमारे को कुछ भी खबर नहीं है, हमारे को बिना बताए बिना बोले सिर्फ इतना बोले तुम्हारी बहन फांसी ले ली बस, हॉस्पिटल लेके गए तो पुलिस मौजूद थी कहते वहाँ पर, नहीं पता हमारे को, वो भी नहीं बोल रहे, कोई बात करने तैयारी नहीं है वहाँ पे, हमारे को कुछ भी खबर नहीं है हमारे को।